इंडस्ट्री में बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर और साथ ही अपने अभिनय की वजह से जिस भी धारावाहिक में काम किया है उसे TRP के मामले में नंबर वन पर पहुंचा दिया है। उन्हीं में से एक है जिया मलिक। जी हां दोस्तों, साथ निभाना साथिया में अपने एक्टिंग के दम पर इस शो को हिट करवाने वाली जिया मलिक आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जिया मलिक ने जिस भी शो पर एंट्री की है उसकी TRP छप्पड़ फाड़ कर हुई है। जी हां दोस्तों, जिया अपनी एक्टिंग साथ ही अपनी मासूमियत की वजह से जनता के दिलों पर राज करती हैं। साथ निभाना साथिया जैसे धारावाहिक से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली जिया इस वक्त टीवी इंडस्ट्री से काफी वक्त से दूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिया मलिक को लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया है या फिर उनकी जगह पर उन्होंने किसी और को दे दिया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज भी जिया मलिक अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर अपने फैंस को एंटरटेन करती रहती है और फैंस भी उन्हें लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। पर इस वक्त जिया के बारे में जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसने जिया मलिक के फैंस को हिला कर रख दिया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस वक्त माया नगरी मुंबई में काफी ज्यादा कोविड का प्रकोप चल रहा है जिसमें तरह तरह की अपडेट्स आ रहे हैं। इससे पहले करीना कपूर जैसे कई सारे अन्य एक्टर भी इस गंभीर बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पाए थे और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसी बीच जिया के बारे में भी इस तरीके की अपडेट जनता के सामने आई। हालांकि आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से फेक अपडेट थी। जिया मलिक कोविड पॉजिटिव नहीं हुई थी, इसके बावजूद उनके बारे में यह अफवाह उड़ा दी गई। दोस्तों आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि जिया मलिक कोविड पॉजिटिव नहीं है बल्कि वो एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं जिसका इलाज भारत में है ही नहीं। जी हां दोस्तों, उनके फैमिली मेंबर की तरफ से इस बात की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि काफी वक्त से जिया मलिक इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था और इस वक्त जब बीमारी बढ़ चुकी है तो जिया मलिक ने अब अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट की है कि लोग उनके लिए दुआ करें। दोस्तों जैसे ही अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिया मलिक अब इस दुनिया में नहीं रही, ऐसी अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि गोपी बयानी की जिया मलिक अपने इलाज के लिए आउट ऑफ इंडिया जा चुकी हैं और वो बहुत ही जल्द एक नए धारावाहिक में भी नजर आ सकती हैं। दोस्तों जिया के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट के जरिए अपनी राय हमारे शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट में आकर गेट वेल सून लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।